हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय चैनल, माय सेल्फ राज। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और हॉट स्क्रिप्ट मरीन इलेक्ट्रिकल्स की, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वापस इन्वेस्टमेंट किया जाए, और पुराने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनका सब्र टूट चुका है, पेशेंस टूट चुका है। वो ये जानने में लगे हुए हैं कि अब क्या करें, कैसे करें कि इसके एक अंदर अपर लेवल आए और हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न मिले, और कब मिलेगा, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम बात करते हैं कि इस स्क्रिप्ट का जो 52 वीक हाई है वो 60-62 रुपये के आसपास है, और 24 रुपये समथिंग के आसपास का इसका 52 वीक लो है। प्रीवियसली ये इसी 24 रुपये के आसपास आई थी, फिर इसने अपर ट्रैक मूवमेंट लिया था और 44 रुपये तक चली गई थी बायर पैक लगते हुए। यानी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में 10 से 15 दिन के अंदर इसने अपर लेवल दिखाया और 44 रुपये तक चली गई। वापस से इसके अंदर एक डाउनफॉल आया, वापस से बिलो रुपीज़ 40 आ गई, 35 आ गई, और फिर अब बिलो रुपीज़ 30 आ गई। 30 पे भी जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, कोई न्यू इन्वेस्टर है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल था, और अभी भी 27 रुपये के आसपास ही घूम रही है, 26 रुपये के आसपास घूम रही है, 26 से 28 के बीच ही घूमती रहती है, और अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल बना रखा है, क्योंकि इसका ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। इससे डाउनफॉल जाने की मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि डे बाई डे इसके जो वर्किंग लेवल से बढ़ते जा रहे हैं, जो उसके प्रोजेक्ट्स इसको मिल रहे हैं, या जो इसके वर्किंग्स बढ़ाने के लिए इसके अंदर जो काम हो रहा है, जो इसमें आने वाले टाइम में रिकवरी होगी इसके प्रोजेक्ट्स को देखते हुए, और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटीज हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत बढ़ जाए, संभावना यही है। और या फिर इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करके हम फंस गए तो क्या करें, तो प्लीज़ जिस लेवल पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है आप सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, आने वाले टाइम में ये स्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। और अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना रहे हैं तो ये एक अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और इसी तरह की एक और स्क्रिप्ट जिसे चाहते हैं कि 27-28 रुपये के आसपास ही, मैं आपको एक और स्क्रिप्ट बता दूं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करके फंस गए हैं, आपको लगता है कि आने टाइम में आपको रिटर्न नहीं देगी, तो प्लीज़ इसी पे आप एवरेज बनाएं, तो मैं कहता हूं इस पे एवरेज ना बनाएं। मैं आपको एक और स्क्रिप्ट बताता हूं एवरेज बनाने के लिए। भाई, मैं किसी स्क्रिप्ट में मान लीजिए 50 रुपये के आसपास फंस गया, और फिर वापस मैं एक इन्वेस्टमेंट करके इसी स्क्रिप्ट में बिलो रुपीज़ 30 इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, और अगर मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट मुझे रिटर्न नहीं देगी, और मुझे ये भी लगता है कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो एवरेज नहीं बनाऊंगा, तो फिर आने वाले टाइम में मुझे मेरे अमाउंट पे जो इन्वेस्टमेंट मिलना, मेरे इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है उस लेवल तक ही पहुँचे, तो मैं ये सोचता रहा हूँ कि उस डाउन लेवल पर मैंने इन्वेस्टमेंट अगर किया होता तो मुझे एक अच्छा रिटर्न अभी मिल रहा होता, और मैंने उस तक अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया, किसी दूसरे स्क्रिप्ट में भी किया होता तो भी मुझे रिटर्न मिल रहा होता। तो मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ सेफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि आप एक अलग से स्क्रिप्ट में भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि इसके आसपास की लेवल की है, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है SJVN में आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, या फिर NBCC भी एक मल्टीबैगर शेयर है, मल्टीबैगर रिटर्न आपको देगा। और इसके अलावा भी मैं एक स्ट्रॉन्ग शेयर आपको और बताता हूँ, इन्फीबीम एवेन्यूज 13 रुपये के आसपास चल रहा है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना एवरेज बना ले। अगर आपने इस स्क्रिप्ट के अंदर 500,000 शेयर खरीद रखे तो इसे डबल शेयर आप इन्फीबीम एवेन्यूज के खरीद लें, या हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के खरीद लें, या आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, वो भी फास्ट ट्रैक मूवमेंट के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो भी बात थी मैंने आपको बता दी, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बता दी, ओल्ड इन्वेस्टर्स के लिए बता दिया, एवरेज अगर इसमें करना चाहे तो इसमें करें, नहीं तो दूसरे स्क्रिप्ट में बना करके एवरेज करना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर पेशेंस रख के वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें, ताकि आने वाले टाइम में ये स्क्रिप्ट आपको सुपर फास्ट मल्टी बैगर बन करके आपको एक अच्छा रिटर्न दे। फ्रेंड्स, टेक्निकली थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लग रहा है इस सारी चीज़ों को देखने के बाद में कि इसमें ये जो डाउनफॉल है इतना नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा शेयर का अपर लेवल पे होना चाहिए था, इस वक्त 35 से 40 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है मंदी के कारण, ये प्रेशर के कारण, सेलिंग प्रेशर के कारण ये सब डाउनफॉल आई हुई है। सेलिंग प्रेशर जैसे रिड्यूस होगा और इसके अंदर वॉल्यूम तेज आने लगेंगे तो आप मान के चलिए कब 50 प्लस चली जाएगी आपको मालूम ही नहीं चलेगा, और उसके बाद में रुकेगी कि नहीं। जैसे कि HSCL एक स्क्रिप्ट है, आपने अगर सुना हो वो देख लीजिए, डे बाई डे कहाँ से लेके कहाँ तक पहुँच गई, और उसी तरह का मूवमेंट इसमें भी आ सकता है, जैसे सेल में आया था, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में आया था, और या फिर नालको में आया था, नेशनल एल्यूमिनियम में आया था, उसी तरह का इसमें एक अच्छी चाल आएगी। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। फंडामेंटली मुझे इस स्क्रिप्ट में कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से मुझे इसके सारे फंडामेंटल्स दिखते हैं, वर्किंग लेवल्स दिखते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, और आने वाले टाइम में इसकी जो वैल्यूज़ है डे बाई डे इंप्रूव होती चली जाएगी, और ये अच्छे वर्किंग लेवल के साथ साथ आपको एक अच्छा रिटर्न भी कमा करके देने में सक्षम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को डे बाई डे इस तरह की स्क्रिप्ट के बारे में जानने के लिए, और स्क्रिप्ट्स के बारे में अपग्रेड रहने के लिए, ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, और कन्फ्यूजन में दूर भी कर देता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इसी लेवल के अलावा कोई दूसरे लेवल की स्क्रिप्ट भी बताई जाए जो इसके इक्वलेंट हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की बातों को जानने के लिए प्लीज़ बन रहे मेरे साथ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ज़रूर लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, या कोई भी चीज़ करने से पहले, ताकि आपका रिसर्च एनालिसिस पूरा हो, और आपको भी डे बाई डे मेरे वीडियोज़ प्रीवियस भी देखें, ताकि आपको विश्वास बन रहे मेरे
बातों पे, मेरी टेक्निकल जो चीज़ें मैं बताता हूँ उस पर, और देखिए मैं कुछ चीज़ें नहीं भी बताता हूँ, एक्सचेंज करने का ऑफर बताता हूँ, कन्वर्ट करने का ऑफर बताता हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ऐसे करके भी हम किसी ना किसी स्क्रिप्ट में अगर फंस भी जाएँ तो हम दूसरे ट्रैक से उस स्क्रिप्ट का जो भी लॉस हुआ हुआ है वो दूसरे ट्रैक से उस स्क्रिप्ट में प्रॉफिट कमा करके हम निकल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की बातों को जानने के लिए बन रहे हैं मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।